हम दुनिया में सबसे अलग बनना चाहते हैं, लेकिन करते सबके जैसा ही। अगर आप इनपुट अलग नहीं देंगे तो आउटपुट अलग कहां से मिलेगा? इसलिए जैसा आउटपुट चाहिए वैसा इनपुट देना भी जरूरी है। जिंदगी में, आदतों में, रूटीन में छोटे छोटे से बदलाव लाएंगे, कोई चमत्कार जैसे बदलाव होते नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बदलाव जब आप करते हैं तो आपको 30 दिन या 60 दिन बाद चमत्कार जैसे बदलाव ही नजर आएंगे। तो हम आगे चलें अपनी ट्रेनिंग में। अब हम लोग वाई को यूज करेंगे। अलग अलग डब्ल्यूज पे बात चल रही है, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे। आज हम लोग देख रहे हैं वाई। व्हाई डज ही वर्क? डज ही वर्क एक बेसिक क्वेश्चन है, क्या वह काम करता है? उसके आगे वाई लगा दिया तो व्हाई डज ही वर्क, वह काम क्यों करता है? ही वर्क्स फॉर हिज फैमिली, वह अपने परिवार के लिए काम करता है। व्हाई डिड ही वर्क, उसने काम क्यों किया? व्हाई डिड, डज करता है, डिड किया, व्हाई डिड ही वर्क? ही वर्क फॉर हिज फैमिली। तो व्हाई डिड का हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जोड़ेंगे, व्हाई डिड यू टेल लाई, आपने झूठ क्यों बोला, व्हाई डिड यू कम लेट, आप देर से क्यों आए, व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। वो गाना आपको याद आता है, व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट, व्हाई डिड यू फॉल इन लव, व्हाई डिड यू गो अवे अवे अवे। तो उसमें पूरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि आपने मेरा दिल क्यों तोड़ा, ऐसा था तो आप प्यार में क्यों पड़े और दूर क्यों चले गए। तो ये सारा सिंपल पास्ट था। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर में। Why will he work? वह काम क्यों करेगा? He will work for his future. वो अपने भविष्य के लिए काम करेगा। Why is he coming? अब हम continuous पे आ गए। Is he coming? Basic question है। क्या वह आ रहा है? Why is he coming? वह क्यों आ रहा है? He is coming for purchasing. वह purchasing के लिए आ रहा है। Why was he coming? He was coming to meet you. वह तुम्हें मिलने आ रहा था। Why was he coming? वह क्यों आ रहा था? Why was? Why is? Why was? Why will be? Why will he be coming? He will be coming to attend marriage. वह क्यों आ रहा होगा? Why will he be coming? बोलिए मेरे साथ, Why will he be coming? He will be coming to attend marriage. इसके बाद हम लोग आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट में जो काम पूरा हो चुका है, बेसिक क्वेश्चन क्या है? हैज ही लेफ्ट? क्या वह जा चुका है? तो वाई जोड़ के क्या बनेगा? वाई हैज ही लेफ्ट, वह क्यों जा चुका है, वह क्यों निकल चुका है। लीव मीन्स छोड़ना या निकलना। तो अभी जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे जाना है, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे निकलना होगा। तो वाई हैज ही लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है लीव का। वाई हैज ही लेफ्ट, वह क्यों छोड़ चुका है? ही हैज लेफ्ट फॉर हिज बेटरमेंट, वो बेहतरी के लिए छोड़ चुका है। जैसे अगर हम जॉब की बात करते हैं, वाई हैज ही लेफ्ट हिज जॉब, उसने अपना जॉब क्यों छोड़ दिया? ही हैज लेफ्ट फॉर हिज बेटरमेंट। वाई हैड ही लेफ्ट, वह क्यों छोड़ चुका था? ही हैड लेफ्ट टू गो होम, घर जाने के लिए छोड़ चुका था। व्हाई विल ही हैव लेफ्ट? ही विल हैव लेफ्ट फॉर उज्जैन, वह क्यों निकल चुका होगा या छोड़ चुका होगा? वो उज्जैन के लिए निकल चुका होगा। व्हाई हैज ही बीन रिफ्यूजिंग? अब हम आ गए हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, जहां बीन आ गया, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, याद है आपको? मैं बार बार रिपीट करता हूँ चीजें, क्योंकि रिपीटिशन ही वो चीज है जिसकी वजह से आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए चीजें उतर जाती है। जब आप देखते हैं ना कि आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको घबराहट होती है, वो घबराहट है प्रैक्टिस की कमी से।
प्रैक्टिस की कमी से कॉन्फिडेंस की कमी आती है। अगर कोई पुअर से पुअर बच्चा 5 साल का, उससे अगर कोई 1000 लोगों की भीड़ में बोल दे कि चलिए आप 1 से 50 तक गिनती बोलिए, तो गिनती इतनी बाय हार्ट है कि आदमी उठ के फटाफट बोल देगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, उसको इतनी प्रैक्टिस है। तो रिपीटेशन हम क्यों करते हैं? ताकि ये टेंसेस की आपको जानकारी नहीं चाहिए, जानकारी तो आप बरसों से लेते आ रहे हैं, अब चाहिए प्रैक्टिस, अब चाहिए वो आपकी जबान पे सवार हर चीज। तो व्हाई हैज ही बीन रिफ्यूजिंग, वो मना क्यों करता रहा है? ही हैज बीन रिफ्यूजिंग टू अवॉइड अस, वो हमको अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए मना करता रहा है। व्हाई हैड ही बीन रिफ्यूजिंग, वो मना क्यों करता रहा था? ही हैड बीन रिफ्यूजिंग ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू मीन्स के कारण, बीमारी के कारण, ड्यू टू इलनेस, ही हैड बीन रिफ्यूजिंग ड्यू टू इलनेस। जब भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो टेंसेस को देख रहे हैं वो एक बात है, लेकिन आप कुछ खास वर्ड्स आते हैं उन पे जरूर गौर कीजिए। जैसे अभी ड्यू टू आया, ड्यू टू मीन्स के कारण। तो जब भी हम किसी चीज को का कारण बताना चाहते हैं, तो ड्यू टू वर्ड बड़ा काम में आता है। जैसे I left my studies due to lack of money. पैसों की कमी की वजह से, lack of money की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो why had he been refusing? He had been refusing due to illness. Why will he have been refusing? यहाँ पे आके सेंटेंस सबसे ज्यादा लंबा हो जाता है, इसको बोलने में आपको तकलीफ आएगी शुरुआत में, लेकिन ये हमेशा की तकलीफ नहीं है। ये तकलीफ ठीक वैसी तकलीफ है जब आपने बाइक चलाना शुरू की पहली बार, तो आपको किसी ने कहा ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, टॉप गियर, ब्रेक इधर है, एक्सेलरेटर उधर है, तो आपके मन में ये बात आई कि यार कैसे याद रखूंगा इतनी सारी बातें। लेकिन 10 दिन बाद अगर आपसे पूछे कि आप कैसे याद रखते, तो आप कहोगे इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है, तो रोज का काम आदत। तो बोले मेरे साथ, व्हाई विल ही हैव बीन रिफ्यूजिंग, वो मना क्यों करता रहा होगा? व्हाई विल ही हैव बीन रिफ्यूजिंग, व्हाई विल ही हैव बीन refusing, he will have been refusing due to illness, बीमारी के कारण मना करता रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जबान की आदत करवानी है, और उसके लिए कोई अकल की भी जरूरत नहीं है, समझ की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है फेथ की कि अगर मैं ये करूंगा तो कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अरे नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए करो, बिंदास प्रैक्टिस करो।